Nagin has broken all the records on TRP charts, having the highest opening for a weekend slot. Isn't that amazing, guys? So here we have with us the crazy Chaya, also known as Gunjan Walia, talking about her comeback, her character, and a lot more. Take a look. Television scenario mein actually kuch change nahi hua hai. Waise hi sab bhagte hain. But yes, now we are getting to see a lot of shows which are content driven. क्योंकि पहले एक ही मतलब सास बहू बेटियाँ वही चलता रहता था. अभी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है. आई रिमेंबर उस टाइम पे भी एक नागिन शो आया था, बट दिस नागिन इज लाइक टोटली फ्रीकिंग अस ऑल आउट. आई एम श्योर इट्स फ्रीकिंग यू आउट ऑल्सो. या बट ऑनेस्टली इट्स नॉट रियली अ कम एज इन टी वी के लिए. येस इट्स अ कम बैक फॉर मी, बट आई हैव बीन ऑलवेज वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आफ्टर बेटियाँ हैपेंड, उसके बाद मैंने एक दो फिल्में की पंजाब में जाकर, फिर इवेंट्स एंड शोज तो मेरे चलते ही रहते थे. बट येस आफ्टर बेटियाँ में भी मैंने बहुत हाई राइज देखा, बट दिस नागिन वॉज लाइक डे वन से लॉन्च पे आपको इतनी हाई TRP मिल जाए तो इट्स लाइक अ डिफरेंट हाई ऑल टुगेदर. तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है. आई थिंक मेरे नाम चेंज करने, नाम की स्पेलिंग चेंज करने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है. आई थिंक आई वॉज टोल्ड आई एम सपोज टू बी नंबर वन. नागिन हैपेंड बिकॉज आई हैड अ मीटिंग with Balaji people, the creatives, and they said ki, you know, we have something interesting for you and it has that comic element to it. To kyunki unhone bola comedy hai to mujhe wo excite kiya, kyunki main rona dhona dobara abhi wo us mood mein nahi thi ki abhi dobara karu. And second thing was that it's a weekend slot. To jaise kehte hai na, kafi time ke baad agar aap tv pe aao seedha daily show mein, you don't know how well you will receive it aur aap को लोग कैसे रिसीव करेंगे. दो मुझे बहुत फैन मेल्स आते थे कि वापस आ जाओ टीवी पे. सो व्हेन आई गॉट नागिन देयर वर टू थिंग्स दैट एक्साइटेड मी. ए कॉमेडी, नो एक्चुअली फोर थिंग्स. ओके लेट मी अभी आती जाएंगी. नंबर वन बालाजी, इट्स लाइक बैक टू पवेलियन. मैंने बालाजी से ही शुरू किया था अपना एक्टिंग करियर. एंड नंबर टू वॉज कलर्स. यू नो आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क विद कलर्स एंड ऑन अ गुड शो. नंबर थ्री इज अ वेरी क्रेजी कॉन्सेप्ट. लाइक वी आर डूइंग अ वेरी ट्रिपी शो. कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो उसमें बहुत मज़ा आता है. फोर्थ इज़ माई कैरेक्टर कॉमेडी. इट्स अ न्यू जॉनर दैट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर. फिफ्थ रीजन इज माई हस्बैंड विकास मानकटाला. ही वॉज लाइक कर लो, तो आई लाइक ओके लेट्स डू इट. सी वेन एवर यू स्टार्ट समथिंग एंड एक नया टाइम स्लॉट शुरू होता है, कुछ नया आप एक एक्सपेरिमेंट था ही. आई थिंक दिस वॉज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो टाइम स्लॉट में आप रियलिटी शोज़ देखते हो सैटरडे संडे, लाइक बिग बॉस है, देन यू हैव कॉमेडी नाइट्स बचाओ, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, ये स्लॉट मतलब बेसिकली हमने जो देखा था आज तक वीकेंड्स में देवर रियलिटी शोज़ बिकॉज पीपल वॉन्ट टू वॉच समथिंग विच इज़ डी स्ट्रेसिंग. सो आई थिंक नागिन इज़ इक्वली डी स्ट्रेसिंग. इट्स लाइक दैट फैंटसी टेल, यू नो, कहीं से भी सांप आ गया, कुछ भी कर दिया. बचपन में जैसे हम कहानियाँ सुनते थे ना जो हमें बहुत एक्साइट करती थी, so it was one of that genre that colors has explored and I think it's really interesting. जब हमने shoot शुरू किया था राजस्थान में तो drone पे shoot किया था हमने. we had helicam which was like wow and उससे हमें ये feeling आई थी. हमें बोला गया था कि बाहुबली की team जो है वो हमें shoot करिए, तो उससे बड़ी larger than life feeling तभी हमें पता चल गया था this show is definitely gonna be larger than life. I think we've always done shows like that. बेटिया में भी हम सब पांच बहनें थी एक ही. मुझे लगता है मैंने हमेशा से वही शोज़ किए हैं. बेटिया में भी पांच बहनें थी एक ही जैसी, एक ही उम्र की, एक दो साल ऊपर नीचे, ऐसे करके. इसमें भी वैसा ही है कि वी आर ऑल ऑफ द सेम एज एंड वी आर हैविंग फन ऑन सेट्स, तो ऐसा लगता नहीं है कि आप काम कर रहे हो, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ऑफकोर्स वी आर वेरी सीरियस वैन वी आर ऑन द सेट्स, बट ऐसा नहीं है कि ऑफ सेट्स में आप बिल्कुल ऑफ फील करते हो. यू डोंट फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. यू फील दैट यू आर पार्ट ऑफ द होल थिंग एंड इट्स नाउ अ फैमिली. हम लोगों ने साथ में आउटडोर स्केड्यूल किया था तो इट्स नाइस. सुधा जी इज़ डेफिनेटली इंस्पिरेशन. उनको तो मैं तब से, वो मेरे लिए तब से इंस्पिरेशन थी जब से मैंने उनकी फिल्म देखी थी नाचे मयूरी. आई थिंक शी इज़ अ फैब्यूलस डांसर एंड द विल पावर दैट शी इज़ गॉट एंड द परफॉर्मेंस. आई थिंक कोई भी इंसान उनसे इम्प्रेस होगा एंड डेफिनेटली यू वुड वॉन्ट टू फॉलो द वे शी इज़, द वे शी कैरीज हर सेल्फ. शी इज़ प्रीटी गुड एट दैट एंड येस वी आर ब्लेस्ड वी हैव सुधा जी. वही हमारी USP है. आप सबको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी दैट बिकॉज ऑफ यू आई हैव कम बैक ऑन टेलीविजन. आप लोगों ने जितने मेल्स किए, जितना मुझे ट्विटर पे मैसेजेस किए, फेसबुक पे मैसेजेस किए दैट यू नो लक्ष्मी वी वांट यू बैक, सो योर लक्ष्मी इज़ बैक एज छाया. एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव गाइज. आई लव यू एंड कीप वॉचिंग नागिन.
एंड प्लीज़ कीप रीडिंग द फोरम्स, इंडिया फोरम्स, क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट डोज है. मैं सुबह उठ के इंडिया फोरम्स चेक करती हूँ क्योंकि सारा गॉसिप आपको वहीं पे मिलता है. एंजॉय, हैव फन. Wish Kunjan good luck for her ongoing venture. Upasna Patel, cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Gunjan Vikas Manaktela and you're watching me on India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV.